छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, जानकारी अपडेट देना चाहता हूं। आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ में जो है, बिलासपुर हाई कोर्ट ने आरक्षण को 50% करने का निर्णय जो है दे दिया गया है। जी हां, अब छत्तीसगढ़ में जो है 76% आरक्षण जो है निरस्त होने की कगार पर है। आपका 76% आरक्षण जो है स्टे लग जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट ने 50% आरक्षण देने का निर्णय जो है लिया है, तो सरकार की ओर से किया जाएगा सभी वर्गों के आरक्षण को कम। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि अब जो है एससी एसटी ओबीसी को अब कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण मामले में जो है इस वक्त की सबसे बुरी खबर जो है छात्रों के लिए निकल कर आ रहा है। 76% आरक्षण जब लागू हुआ, सर्वसम्मति से पारित हुआ था, इसमें जो है एसटी आदिवासियों को जो है 32% आरक्षण का लाभ मिलता था। अब जो है घट कर सीधा 20% हो जाएगा। इसके साथ ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 27% आरक्षण का लाभ मिलता था, जो अब घट कर जो है 14% हो जाएगा। इसके साथ ही जो एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 13% आरक्षण का लाभ मिलता था, अब यह जो है बढ़कर 16% जो है हो जाएगा। तो आरक्षण जो है 50% होगा। ये सभी निर्णय अभी बिलासपुर हाई कोर्ट से निकल कर आ रहा है और एक के बाद एक जो है आपके छत्तीसगढ़ में नई नई भर्ती, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी निकल कर आ रहा है और एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी जो है निकाले जा रहे हैं और आप इसमें बहुत आसानी से जो आवेदन आप जो है कर सकते हैं जो नई नई भर्ती हैं उसमें। लेकिन आपके आरक्षण मामले में ही काफ़ी बड़ी बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले में जो है जानकारी अपडेट्स निकल कर आ रहा है और वो अपडेट जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाएँ। तो हर बार हर दिन अभी इस समय जो है आरक्षण मामले में नई नई अपडेट्स, नई नई सूचना, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल रहा है और जिसके वजह से आरक्षण मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो आरक्षण पर जो है घमासान जारी है। तो साहू समाज का फरमान, राज्यपाल आतिथ्य कार्यक्रम कर दे रद, राज्य सरकार ने किया सवाल, आरक्षण विधेयक क्यों नहीं लौटा दे रही राज्यपाल। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 76% आरक्षण दिए जाने के संबंध में पारित विधेयक पर राजनीति जो है बढ़ती जा रही है। बुधवार को जहां राजभवन ने राज्य सरकार से 10 सवालों के जवाब मांगे हैं, वहीं गुरुवार को सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने सवाल किया है कि अगर राज्यपाल संतुष्ट नहीं है तो विधेयक को वापस क्यों नहीं लौटा दे रही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल भाजपा के नेताओं जैसे सवाल उठा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपके आरक्षण मामले में एक के बाद एक जो है नई नई अपडेट जो है देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में लगभग ये तय है कि आने वाले समय में जो है 76% आरक्षण शायद निरस्त आपका हो सकता है। तो आरक्षण पर 100 बिंदुओं का रोस्टर तैयार है। तो राज्यपाल ने इसके लिए सचिव स्तरीय समिति गठित की है। समिति ने 100 बिंदुओं पर रोस्टर तय किया है। समिति राज्य के बाहर जिले संभाग छत्तीसगढ़ भवन और सदनों में पदों पर नियुक्ति के लिए एससी एसटी ओबीसी अनारक्षित व ईडब्ल्यूएस के लिए रोस्टर तय कर रही हैं। इसकी रिपोर्ट जल्द राज्यपाल को सौंप दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इसका राजपत्र में प्रकाशन होगा, तब रोस्टर का उल्लेख उसमें किया जाएगा। रोस्टर तो पहले से ही तैयार था। राज्य बनने के बाद 22 साल में यह पहला विधेयक है जिस पर सवाल खड़े कर अटकाया गया है। इसके साथ 16% आरक्षण के लिए भाजपा एसी मोर्चा सौंपेंगे ज्ञापन। तो भाजपा एसी मोर्चा कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण पूरा करने की मांग लेकर शुक्रवार को राजभवन जाएगी। एसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मारकंडे व पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 16% आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे। नए विधेयक में एसी का आरक्षण 13% कर दिया है जबकि उनको 16% आरक्षण का लाभ मिलता था। तो एक के बाद एक आपके जो है छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मामले में नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी, नए नए पहलू जो है देखने को मिल रहा है और जिसके वजह से छात्रों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, छात्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी जो है हो रही हैं। तो एक के बाद एक जो है आरक्षण मामले में नई नई अपडेट्स, नई नई जानकारी जो है देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण जो है आपका निरस्त हो सकता है। इसके साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी होंगे, प्रकाशित होंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भर्ती आपके जो है टीचर्स के। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के सीधा 12,489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती होने वाला है और इसमें टीचर शिक्षक भर्ती परीक्षा में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे
और 1/4 इसमें जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बचकर रहना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें और आपका सिलेक्शन हो पाए। तो माइनस मार्किंग से आपको बच के रहना। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ जो है सामान्य हिंदी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश, ये सभी आपकी हिंदी के व्याकरण में पूछे जाएंगे। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, हिंदी की प्रिपरेशन यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दिल्ली IAS अकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको हिंदी के बारे में कम्प्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश के, तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश ग्रामर्स के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको इंग्लिश के बारे में संपूर्ण A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। तो इन सभी बुक से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज, काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका जो है अवश्य रूप से आपका सिलेक्शन जो है देखने को मिलेगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो रहे हैं। इसके साथ ही जो है हॉस्टल वार्डन के, छात्रावास अधीक्षक के भी 400 पदों पर नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा है, बस आप लोग तैयारी ही नहीं करते, इसी वजह से आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाले जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मेहनत कीजिए, आपको सिर्फ तैयारी करते रहना है, आपका मेहनत जो है अवश्य रूप से रंग लाएगा और आपका सिलेक्शन जो है आने वाले समय में जो है ज़रूर होगा। आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। तो अपनी ज़िंदगी को यदि बदलना है, आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करना होगा। तो जितना हो सके मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आने वाला समय आपका ही होगा और आपको ही कामयाबी मिलेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट हो, आपका कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखना। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।